So today I am discuss with you most important topic, so how to crack UPSC CSET paper. Hello everyone, myself Chetna, career psychology with Yoshna IAS. So today I am discuss with you most important topic, so how to crack UPSC CSET paper. ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट है, आप सभी के लिए बहुत डाउटफुल भी रहता है कि सीसेट जो कि आपका क्वालिफाई नेचर ऑफ पेपर होता है कि आपको कैसे इसको आपको एक वन टाइम में क्या करना है, इसको एक सही अप्रोच से इसको क्रैक करना है. तो फर्स्टली तो मैं आपको ये बता दूँ, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है आप सभी को पता होगा सीसेट पेपर के बारे में. बेसिकली मैं आपको दोबारा से इसको कुछ डिस्कस करूँगी कुछ पॉइंट्स. देखिए सीसेट जो आपका यूपीएससी पेपर होता है या आपका टोटल जो होता है ये पेपर सेकंड होता है. फर्स्टली तो मैं आपको बताऊं, पेपर सेकंड होता है जो कि आपका सीसेट जिसको हम बोलते हैं. एंड ये जो पेपर होता है ये आपका नंबर ऑफ मार्क होता है 200 मार्क का क्या होता है पेपर होता है. अब बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो ये आपका देखो 80 आपको क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं टोटल्स होते हैं. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं स्टूडेंट इसमें, 80 क्वेश्चन इसमें हम बात करते हैं. मतलब ईच क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है 2.5 मार्क का, ढाई मार्क का आपका क्या होता है एक क्वेश्चन होता है. देखिए इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो पेपर होता है आपका ये आपका इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है आपका क्वालिफाई. दैट मीन्स 33% आप सभी एस्पिरेंट सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या कंपलसरी है कि आपको 33% क्या होता है इसमें लाना होता है. दैट मीन्स 66.67 आपको क्या होता है मार्क्स इसमें लाने होते हैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए कंपलसरी है. कम तो देखो बिल्कुल नहीं चलेगा, ज़्यादा है तो वेल एंड गुड. तो 33% क्या आप सभी के लिए क्या होता है एज अ कंपलसरी होता है. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग भी होता है. स्टूडेंट सोचता है कि भाई 33% आ जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है. 33% देखिए लाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और एक ही क्वेश्चन की जो डिमांड होती है ना वो बहुत हाईली होती है. मैं आपको डिस्कस करूँगी वही पॉइंट्स कि कैसे हमें इस पेपर को अप्रोच करना है. सो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ. फर्स्टली देखिए जो मैं कुछ स्टेप्स आपके साथ फोकस का बताऊँगी डिस्कस करूँगी वो है आपका क्या है टेक सीसेट सीरियसली. देखिए सीरियसली से मेरा मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से है कि हमें आप सभी को पता है कि सीसेट जो आपका पेपर है क्वालिफाई होता है. तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना इसको बहुत लाइटली लेते हैं, कहते हैं कि चलो क्वालिफाई तो है हो जाएगा हम इसको क्रैक कर लेंगे इजीली. तो उसको इतना टाइम इस पर डिवोट नहीं करते जितना हम अदर जीएस के सब्जेक्ट्स को करते हैं. उनको इतना नहीं पता है कि भाई जीएस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है अगर आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के लिए कंपलसरी कि सीसेट क्वालिफाई है तो ही जीएस का पेपर की कुछ इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज नहीं है. तो फर्स्टली जो स्टेप है वो है इसको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना. आपको सीरियसली ऐसे आप अदर सब्जेक्ट को सीरियसली टाइम डिवोट करते हो तो ऐसे ही आप सीसेट को भी करो, क्योंकि सीसेट इतना इजी ना तो है क्रैक करना. ठीक है, तो इसको फर्स्टली जो स्टेप है वो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, आप सभी को सीरियसली लो. सेकेंडली क्या है आप देखो इवेल्यूएट करो योर सेल्फ बिफोर यू स्टार्ट सीसेट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. जब भी आप यूपीएससी स्टार्ट करने जा रहे हो तो अपने आप को आप इवेल्यूएट करो. इवेल्यूशन मतलब होता है क्या है ना, देखो ये जो एग्ज़ाम है इसमें सिर्फ एक ही फील्ड का स्टूडेंट्स नहीं होता, इसमें कुछ स्टूडेंट आर्ट्स के होते हैं, कुछ कॉमर्स के, तो कुछ साइंस के एंड बाकी सब फील्ड लाइक बीटेक एंड ऑल. तो इसमें सभी फील्ड्स के क्या होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं. तो आप सीसेट जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस एग्ज़ाम की तो आप अपने आप को देखो. हमें किसी और से कंपैरिजन नहीं करना, खुद को जज करना है. उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है PYQ. आप क्या करो मार्केट से PYQ लो और देखो कि कहाँ कहाँ से सीसेट के क्वेश्चंस पुट अप है, किस किस एरिया को कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो आप अपने आप को देखो कि आपका जो वीक पॉइंट क्या है और आपका स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का अलग होता है वीकर एंड स्ट्रेंथ पॉइंट. जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मैथ टफ होगी, वहीं पर कॉमर्स के लिए अर्थमैटिक इतना मतलब टफ नहीं होगा, साइंस के लिए मॉडरेट लेवल पर. तो सबका अलग अलग क्या होता है वीक और स्टैंड पॉइंट होता है. तो वो आप अपने PYQ से फिल्टर करो खुद को. एंड थर्ड इज अटैम्प्ट मोर रेगुलरली. देखिए आपने जब अपना आपको फिल्टर कर लिया एंड आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो लास्टली क्या करोगे आप टेस्ट सीरीज लगाओ, मोक टेस्ट अपना आप बोलो. क्योंकि अगर आप
लास्ट में मॉक रेगुलर बेसिस पर अगर आप कर रहे हो तो उसी से आप खुद को जज कर पाओगे कि हाँ अगर मेरा ये वीक पॉइंट है तो मैं एग्ज़ाम में कैसे खुद को इसको वो कर पाऊँगा। होता क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस हम नॉर्मली तो सॉल्व कर देते हैं लेकिन उसी को जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठ के हम उसको सॉल्व करते हैं ना तो वही इजी क्वेश्चन भी हम गलत सॉल्व कर देते हैं। तो जब हम उसको टाइम मैनेज के साथ मॉक अगर हम लगाते हैं ना तभी हम अच्छे से फिल्टर कर पाते हैं कि हाँ एक्चुअल में हमारा वीक पॉइंट क्या है और हम कहाँ पर ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ओके नाउ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, देखिए मैं आपको ना कुछ जो भी यूपीएससी का जो सीसेट पेपर है उसमें ना सब्जेक्ट जो भी वो पूछता है मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन तो उसको मैं कुछ पॉइंट्स में बता रही हूँ कि भाई हाँ कि किसके से किस किस एरिया से आपको क्या क्या किस तरीके से आपको उसको मतलब क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगी। फर्स्टली क्या है कॉम्प्रिहेंशन इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। देखिए जो एरिया जो है ना ये सी सेट का वो आपको इस एरिया को कैसे अपना स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए ये एरिया आपका जो कॉम्प्रिहेंशन होता है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंशन, और ख़ासकर हम जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इतने बड़े बड़े पैसेजेस को रीड करें फिर उसके क्वेश्चंस को क्या करें सॉल्व करें। तो इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं वो बेसिकली आपको क्या करना होता है उसको मैं आपको वही डिस्कस कर रही हूँ। बस लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एडिटोरियल्स न्यूज़ अगर आप उसे डेली बेसिस पर आप पढ़ रहे हो जो कि आप अदर जीएस पेपर्स में भी पढ़ते हो उसमें भी हेल्पफुल होता है। बट अगर आप वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो उसमें से जो एडिटोरियल में से वोकैबुलरी होती है अगर आप उसे फिल्टर कर रहे हो वो उसको हाईलाइट कर रहे हो निकाल रहे हो ना वो डेली बेसिस पर क्या पड़ेगा आपका एंड ऑफ द रिजल्ट वो आपको एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा। आपको एक रीडिंग की जो हैबिट होती है ना पढ़ने आप वो आपको कहीं ना कहीं आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे। तो आपको इस तरीके से अगर आपको इस पोर्शन को सॉल्व करना है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, मैगजीन्स आप पढ़ो एडिटोरियल्स पढ़ो तो उसमें से वोकैबुलरी आप निकालो ताकि आपकी जो जिसकी इंग्लिश वीक होती है वीक एरिया जो इसका इंग्लिश होता है वो कहीं ना कहीं उसका क्या हो स्ट्रॉन्ग बन जाए। नाउ सेकेंड इज़ क्या लॉजिकल रीजनिंग। देखिए इस सब्जेक्ट की हम बात करूँ इस एरिया की सी सेट में जो लॉजिकल रीजनिंग होता है तो इसके तो सिंपल एक ट्रिक यही है कि आप पी वाई क्यू लगाओ जितने हो सके आप पी वाई क्यू लगाओ क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है जो मोस्ट ऑफ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है नॉर्मल होता है कि वो कर लेते हैं। बट फिर भी होता है क्या है कि पी वाई क्यू लगा कर जो भी आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत आप जहाँ से भी कर रहे हो उस चैप्टर को आप बेसिक से उठाओ देन उसको एंड तक कर डालो, ठीक है। तो जितना हो सके आप पी वाई क्यू लगाओ और ख़ुद को फिल्टर करो कि कहाँ पर आप गलत कर रहे हो क्या आपका वीक पॉइंट है क्या आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है। नाउ लास्ट इज जनरल मेंटल एबिलिटी। देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी से आप क्या समझते हैं, इसमें आपका अर्थमेटिक जो एरिया जो होता है ना आपका मैथ्स का वो सारा कवर होता है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करना चाहिए, आपको अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जैसे आर्ट्स स्टूडेंट्स की हम बात करूँ या फिर साइंस की भी क्योंकि वो टेंथ तक ही ज़्यादा अच्छे से मैथ्स पढ़ता है भाई 11th 12th का जो उसका एरिया होता है वो उनको नहीं पता होता, ठीक है। तो उनके लिए बेसिकली बताऊँगी आपको इसमें अर्थमेटिक की जो आपका मतलब जनरल जो आपकी बेसिक बुक्स होते हैं ना मैथ्स की, ठीक है, वो आप पढ़ना स्टार्ट करो जिसमें आपके जो बेसिक चैप्टर होते हैं टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, नंबर सिस्टम्स क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन जब आप बेसिक अच्छा नहीं होगा ना आपको तो कहीं ना कहीं वो एडवांस नहीं आप कर पाओगे। तो आप जो जनरल मैथ्स की जो बुक्स हैं ना आपको वो आपको इसमें क्या करना चाहिए पढ़ना चाहिए। ये आपको देखिए ये आपके ये आपको मैंने वो आपको स्ट्रेटजी बताई है जो आपको एरिया सी सेट के जो पूरे पेपर में कवर करते हैं ना वो मैंने कुछ पॉइंट्स कुछ टिप्स आपसे डिस्कस करा। इस तरीके से अगर आप अपना सी सेट पेपर अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप इस एग्ज़ाम को वन टाइम में क्रैक कर पाएंगे एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू।